मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग में पुरानी रंजिश को लेकर एक समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। गाली गलौज मारपीट के बाद दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे पत्थरों और फायरिंग की गई और इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बता दें, लालबाग पुलिस चौक से चंद कदमों की दूरी पर यह घटना हुई है। यहाँ रहने वाले फैजान और अकरम पठान का काफी समय से विवाद था। कुछ समय पहले बिरादरी के लोगों के द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया। सोमवार की देर रात एक बार फिर दोनों पक्षों के बच्चे में आपस में विवाद हुआ। पहले गाली गलौज और इसके बाद लाठी डंडे तक चले। दोनों ही परिवार के बड़े लोग आमने सामने आ गए और मोहल्ले वालों के मुताबिक दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया और फायरिंग भी हुई। इसमें घरों के खिड़कियों के शीशे तक तोड़े गए। सूचना पर सीओ कोतवाल महेश कुमार गौतम भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे मामले को शांत कराया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। छह लोग थे सर, और भी इनके साथ होंगे। चोट तो इसके तो खून रुक भी नहीं रहा, तो मेडिकल कराओ। क्या लगा फिर? खैर मारे हैं सर, बॉल मारी, पता नहीं कैसे मारा है, क्योंकि सबने देखा ही है यहाँ पर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है यहाँ पर? सर पता नहीं, मैं तो पापा बैठे थे, उन्हें उठाने गया तो उन्होंने भीड़ में मारना शुरू कर दिया, मैंने उन्हें उठा दिया। इससे पहले भी कोई बातचीत हुई थी क्या? ना ना, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं। कौन थे मारने वाले? सर ये था लल्ला और ये शायर, इनका लड़का था शायर, इनका लड़का अकरम पठान, अकरम पठान का लड़का फैयान और एक मुनव्वर और उसका लड़का आसिम। हाँ, इनका घर कहाँ है? इनका घर आ गया सर, आओ मैं यहाँ झगड़ा यहाँ का मारा। हाँ, कितनी दूरी पे उनका घर? ये है तो सर, ये भी इनका ही घर है। किस कारण आके मारा? क्यों पता नहीं सर, भीड़ में अचानक लड़ाई हो गई। अब अचानक किस बात पर हुई? तुम्हारी कोई बात हुई कहाँ से? नहीं हुई, किसी और से हुई? तुम बीच बताओ मेरे, किस बात से? क्या तू तो मैं चल रही थी सर। अच्छा। हाँ, तो हम तो मैं तो पापा को बचाने लगा, मैंने कभी चोट वोट लग जाओ तो जो उनको ढाने चक्कर में फैर आया, पर से तो मेरे से मुद्दे में लग गया और इसके भाई के टांग में लग। कहाँ गए वो फेर मार के? तो कहाँ भाग गया? सब भाग गए होंगे वो, जब इतनी पुलिस आ गई तो कोई रुक रहा है। लड़ाई का मामला सामने आया दो पक्षों में, क्या है पूरा मामला? सूचना मिली थी कि नवाबपुरा में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है और साथ में ये भी सूचना मिली थी कि वहाँ पर गोली चलने की बात बताई गई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। गोली चलने की पूर्ण रूप से अब बाहर है, इस तरीके से अभी तक कोई घटना नहीं हुई गोली चलने की। साथ ही साथ पुलिस ने वहाँ शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से मेंटेन कर रखी है, कहीं कोई तनाव नहीं है। उन लोगों को इस बात के लिए बताया गया कि जिनके साथ अगर कोई घटना है तो मौके पर आकर अपने थाने पर FIR लिखा है। अभी तक थाने पर आने का कोई आदमी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेके नहीं आया। कुछ महिलाएं हमले का आरोप लगा रही है कि कुछ लोगों ने उनके घर पे हमला किया। हाँ, मैं भी गया था मौके पर, मौके पर बताया तो उन महिलाओं से कहा गया कि आपके पास जो भी है या जिन लोगों ने किया उनके बारे में आके बताएं। कोई विवाद का मामला सामने आया? विवाद तो दो पक्षों के बीच में जो हुआ आपस में, किस बात को लेकर क्या हुआ इस संबंध में भी जो आएगा पूरा उसके अनुसार विधि कर देगी। कितने लोग घायल है इसमें? घायल की भी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है, जो भी आ जाएंगे उन सबके पता पूरी कर देंगे। इसमें कहा जा रहा है एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि फायरिंग हुई है, छर्रे लगे हैं। कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी प्रकार से नहीं हुई। ठीक है सर, थैंक यू।